जोहार के संग मैं सब प्रोफेसर जो कि सगुनदराम आर तिहन दोना 30 जून तो बड़ा गया पे 30 जून हुल महाना आर तिहन लेकिन दिन तो अभी दुखो दिन का कनो कि दिसम फुर्गल लेगे सिद्धू कानू चांद भैरव फुलो झानो दिसम फुर्गल लेगे अकुआ जीविका आलाय लेदा अने हाथे ते तिहन दिन रे नोंडे पालाव हुई थे आयमा जायगा रे पालाव हुई थे तो आले तिहन नोंडे सिरिसडंगा अतुर ले पालाव दा नेल दड़ी को कनगे पे आयमा संगिन को नोंडे को हड़ को हे सटर कना तो नोंडे जा कमी होरा मेना कदा उनो कमी होरा हुई कते रैली कते चला हुई जमुड़िया जमुड़िया रे जा कमी होरा मेना कदा उनो कमी होरा हुई कते डायरेक्ट चला हुई टाउन हॉल तो ना पिटर सनम की जुपे नेल जमा तो कंटिन्यू नेल तुम पे आ जाएगा ना चैनल ना चैनल सब्सक्राइब पे चलो चले कंटिन्यू नेल तुम। जिस दिन झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था यानी विद्रोह किया था उस दिन को हुल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दे दी थी। ये आजादी की पहली लड़ाई थी। हालांकि आजादी की पहली लड़ाई तो सन 1857 में मानी जाती है लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहिबगंज जिले के भगनाड़ी गांव से विद्रोह शुरू हुआ था। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, ई करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। संताल रेबेलियन संताड़ हुल सिद्धू और कान्हू अलिन दो पेस लगी तो पेस आर पड़ी लगी तो पड़ी आले जोटेत खान पे तुई ताम कुड़ाम धरी चांद भैरव फूलो जानो भोगनाडी रिन आले खेरवाड़ दिर बैरी बोतोर दे तिर धर गोंजिर सासन पाले सहाव पाले बादाव ने तो आले ले लहाव अंग्रेज ने तो जगह पे बन जाओ। आंदोलन का कारण मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा क्षेत्र था। इस इलाके में रहने वाले पहाड़िया संथाल और अन्य निवासी खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे और जमीन का किसी को राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदार की फौज तैयार की जो पहाड़िया संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूलने लगे। लगान देने के लिए उन लोगों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता और साहूकार के भी अत्याचार का सामना करना पड़ता था। इससे लोगों में असंतोष की भावना मजबूत होती गई। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव चारों भाइयों ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। फौज प्याले बांग खान बुजू आले इनका ते तो हसा बांग आड़ा काले डोंगा बुरु दाड़े ते चमक सपवा साड़ी ये जुमित बोन ताहे लेन वो जिंता को ऑल लेन फॉलो लेन वो बेरी अबो ताला ते हुल बोन हो के वो जासा जार सांताल हो जासु अतु ते लड़े लेन अंग्रेज साम आसर कपी ते लड़ाई लेत अंग्रेज साम आंसर कभी दे मायान कड़ा लिंजियन और अबो बन हराओ गे एर होमा से अंग्रेज को तहलें चला रे बबन बतोर ले बबो अड़ा के जीवी चलाओ गे खेरवा रबन तबे तबन बन जावे भारत दिसों रेना अबुल लड़ाई संथाल रेबेलियन संताड़ हुल। आंदोलन का परिणाम। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारियां की गई और विद्रोहियों पर गोलियां बरसने लगी। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कारों की भी घोषणा की थी। बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूलर बंगाली में लिखा है, संथालों को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी जिस कारण डुगडुगी बजती रही और लोग लड़ते रहे। जब तक एक भी आंदोलनकारी जिंदा रहा वह लड़ता रहा। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। सिद्धू और कान्हू के करीबी साथियों को पैसे का लालच देकर दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भगनाडीह गाँव में खुलेआम एक पेड़ पर टांग कर फांसी की सजा दे दी गयी। इस तरह सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ये चारों भाई सदा के लिए भारतीय इतिहास में अपना अमिट स्थान बना गए। और प्याले पंखा ना कुछ आले इनकते तो हसा पंख अड़ा काले